कांवड़ के दर्शन कीजिए यहाँ पर, हरिद्वार हाईवे से मैं कांवड़ के दर्शन आपको करवा रहा हूँ यहाँ पर। इतनी बरसात है उसके बाद भी कांवड़ देखिए आप, कितनी भारी संख्या में कांवड़ लेकर जो छोटे छोटे बच्चे, अभी जो छोटी सी एक बालिका अभी मेरे को दिखी यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों। तो आप दर्शन कीजिए कांवड़ के, बहुत ही सुंदर सुंदर कांवड़ दोस्तों, काफ़ी दूर दूर से आए, कोई 100, 200, 250। दोस्तों बस आप देखते जाइए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा यहाँ पर तो कहने से, क्योंकि नहीं इतना मैं व्याख्यान नहीं कर सकता हूँ, कैपेसिटी मेरी इतनी नहीं है। तो आप जो केवल और केवल भगवान भोलेनाथ की जो कांवड़ यात्रा है इसके दर्शन कीजिए आप। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि बरसात है दोस्तों, सब सब अपना अपना जो है मतलब साधन लेकर, कोई प्लास्टिक है, कोई कुछ है। देखिए छोटे बच्चे दोस्तों, और छोटे बच्चे की जो बग्घी दोस्तों, इसमें भगवान भोलेनाथ का आपको शिवलिंग के मैं दर्शन कराता हूँ। ये देखो दोस्तों अंदर के जो इन्होंने शिवलिंग रखे हैं, ये देखो। और छोटे बच्चे आप देखिए, छोटे बच्चे दोस्तों, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे। हम लोग बड़े होकर भी हमको या तो शर्म लगती है या फिर हम थोड़ा सा भी कष्ट नहीं कर सकते। और इतनी दूर दूर से आए हुए छोटे छोटे बच्चे, जो कि गोद में या दूध मुँह बच्चे, उनको लेकर कई बार हमें लगता है कि ये जो पागलपन है, लेकिन दोस्तों अगर संस्कार भी नहीं डालेंगे तो बाद में संस्कार डालना बहुत मुश्किल होता है। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि बचपन से उन्हें संस्कार डाले जाए बचपन में। तो ये देखिए दोस्तों, तो कांवड़ की जो यात्रा है दोस्तों, इसका अपना ही अलग महत्व है। वहाँ देखते हैं किस तरह से जो है गंगा जल लेकर जो है सब चलते हैं। काफ़ी काफ़ी मतलब वजन वाली और बड़ी बड़ी कांवड़ हैं, और गंगा जल भी काफ़ी लेकर चलते हैं। तो 60 लीटर 70 लीटर 280-90 लीटर, ये देखिए महिलाएं जो है अपनी टू व्हीलर पर अपना लेकर चलिए कांवड़। ये देखिए दोस्तों, और बग्घी में आपको फिर एक बार दिखाता हूँ। देखिए छोटे छोटे बच्चे दोस्तों, ये देखिए आप छोटे छोटे बच्चे, केवल पाँव ही पाँव नज़र आ रहे बच्चे, क्योंकि बरसात है। तो आप देख सकते किस तरह से श्रद्धा और आस्था के साथ। आइए देखिए दोस्तों, एक और भव्य कांवड़ के दर्शन, और क्योंकि मौसम भी बहुत सुंदर और बहुत भव्य हो रखा है यहाँ दोस्तों, तो मौसम अच्छा होने के कारण जो कांवड़ को थोड़ी सी कष्ट कम है, कम से कम गर्मी से राहत है। जैसे इस समय जो बहुत भीषण गर्मी होती है दोस्तों, लेकिन अभी बरसात हो के हटी है, तो बरसात हो के हटने के कारण यहाँ पर जो है काफ़ी मौसम अच्छा हो रखा है। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य दृश्य, और भोले की जो आप देख सकते हैं उल्लास, एक जो मस्ती अपनी है इतना लेकर। गंगा जी में आपको बार दिखा महिलाएं और बच्चे छोटे छोटे देखे थे। तो आप एक बार और दर्शन कीजिए भगवान भोलेनाथ के, भगवान भोलेनाथ की पालकी के दर्शन कीजिए। आशा ने पूर्ण विश्वास है कि आपको भोलेनाथ के दर्शन आपने जो पाए हैं कांवड़ की यात्रा के दर्शन, आप उसका पुण्य लाभ उठाएंगे और आपको एक अलग ही दिव्य अनुभूति होगी। तो हर हर गंगे, जय माँ गंगे। एक बार मैं आपको और एक छोटा बच्चा दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिए आप कितना छोटा बच्चा, बच्चा देखिए दोस्तों कितना छोटा है। देखिए आप, तो हर हर गंगे जय माँ।